अस्सलामुअलैकुम, मैं सोफिया जाबर। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मैंने यहाँ पे दुरूद पाक की महफ़िल करवाई है अपने घर में, और माशाल्लाह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और हूरब है, फलक है, जन्नत है, अलिशबा और नूर हिरा है, ये दुरूद पाक पढ़ रही हैं आज मेरे घर में। माशाल्लाह से बहुत सारे गेस्ट आएंगे, अभी स्टार्ट है। मैं और भी आपको दिखाती रहूँगी, मेरे साथ चलते रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप ज़रूर देखते हैं, मुझे शेयर नहीं करते, आप मुझे थंब भी नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप थंब लगाएंगे तो उसका मतलब है कि आपने मुझे लाइक किया। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत सारे होते हैं और लाइक बहुत थोड़े होते हैं। अब आगे मैं दिखाती हूँ, मेहमानों के लिए रूह अफ़ज़ा का भी एहतमाम है। रूह अफ़ज़ा जो भी आएंगे सबको बुलाया जाएगा। रूह अफ़ज़ा नज़ालिया, आपने सब मेहमानों का बहुत ख्याल रखना है, और कोई मेहमान ऐसा ना हो कि जिसकी रिस्पेक्ट ना हो। और मेरे पार्लर की बच्चियां हैं, स्टाफ है मेरा, मेरी बेटियां हैं, छोटी बहनें हैं, तो आपने सबका बहुत ख्याल रखना है। वैसे तो सब बच्चियाँ भी हैं, लेकिन मैं आपको उनका तारुफ करवाऊँगी। और तारुफ़ क्या, उनके चेहरे तो नहीं मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताती रहूंगी। जैनब है, अनमोल है, और ये न्यू बच्ची है, शक्ल नहीं आ रही है, मैं आपकी शक्लें नहीं ले रही हूँ। तो आमना है और समरीन है, सब बच्चियाँ मेरे साथ लगी हैं। लास्मा आ गई है, लास्मा क्या हाल है आपका? आप इतनी देर में आई, नवीरा आप भी इतनी देर में आई। नवीरा को ज्वाइंडर्स हुआ हुआ है, लेकिन नवीरा मेरी खुशी में शिरकत के लिए आ गई है ना। नवीरा आप ठीक है, आपकी तबीयत? हाँ, बच्चे स्कूल गोइंग है, बच्चे आए होंगे तो फिर आप आई हैं। चलें आप आए, वेलकम मेरे नए घर में, ज़ुबिया अंजुम के नए घर में। हम सब दुआगो हैं, मेरे लिए सब ऐसे दुआगो हैं, और इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हेलो, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो आप? ठीक है आप? हमारे घर आई हैं आज, माशाल्लाह से मेरे घर में बहुत रौनक लगी है। आज मेरे घर में ये दुरूद पाक की महफिल है, और माशाल्लाह से सब शामिल हो हुए हैं, सब लोग यहाँ पर। आप देख रहे हैं महरीन मुमताज़, जो हमारी स्वीट सी बहन, प्यारी सी, वो भी दुरूद पाक पढ़ रही हैं। और बाजी तायरा, इनकी दुआएं, मेरी प्यारी प्यारी स्वीट सी बहनों की दुआएं। ये बाजी तायरा और सब बच्चे बैठे हुए हैं और सब पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी महफिल हो रही है। और जो हमारी बहनें सब की दुआओं से माशाल्लाह से बाबरकत महफिल हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज और भी अभी गेस्ट आने हैं। अभी मैं आपको साथ साथ चलती रहूँगी, मिलाती रहूँगी। हाय नूरेरा, क्या हाल है? कुनैन कैसी हैं आप? ठीक है? कुनैन भी कितनी खूबसूरत लग रही है, और अलीशिबा भी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। नहीं, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। बाजी बुशरा और गुड्डो बाजी, इतनी लेट आई हैं आप, आपको इतनी 2 बजे का टाइम दिया, देखा असर होने लगी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्लाह में मुबारक करे, आमीन। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? आप सुनाए, कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। हाँ, मैं आ ही नहीं रही हूँ। और थैंक यू, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। वंदर है गज़ल, इतनी देर में आई है। अस्सलाम वालेकुम, इतनी लेट आई हो, और सब बहनें आई हैं और तोहफे गिफ्ट लेकर आई हैं। ये मिल रही हैं ज़ुबिया अंजुम से, मेरे से तो मिल चुकी हैं, अब बहनें मिल रही हैं। और अब आ गई थी, ये क्या ज़रूरत थी गिफ्ट की? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक बजे अब आ गई थी, यही बहुत था। थैंक यू। हाँ, ये भी है मोहब्बत। जन्नत क्या हाल है? जन्नत ठीक है?
फ़ायदा है। इतनी देर में आई हो, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। आप बहनों की दुआओं से अल्लाह ताला ने दिया है, बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत अल्लाह ये थैंक यू। आमीन 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 तुम आमीन, आपकी मोहब्बत और दुआएं हैं, थैंक यू। आओ बैठो, आज हाँ मीका है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? हाँ जी, अंजुम की वालदा हैं, जुबिया की सास है, मेरी भी अम्मी और मेरी आंटी स्वीटसी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। और आंटी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने दिया है हमें, हाँ थैंक यू। आ जाओ बिठाओ निशबा, ये देना लाजमा चेयर दो आंटी को, अंदर चले। हाँ अस्सलाम वालेकुम, भाभी भी आ चुकी हैं, क्या हाल है भाभी? ठीक है, इतनी देर में आई हैं आप, सोफिया हो जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, और आ जाए तेरा आ रहा लाइट। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, अच्छा इतनी ये तो आप फिल्म चला रहे हैं, इतनी भी देर नहीं होनी चाहिए थी। जूबी ऊपर गई है, मैं बुलाती हूँ जूबिया। मैं अपने मिलाद शुरू किया है, ये आयशा जूबी की नांद आई है। सब लोग माशाल्लाह से बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं, मैंने भी नात पढ़ी थी लेकिन लाइट थोड़ी चली गई जिसकी वजह से मैं आपको नज़र नहीं आई। जी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ती हैं, बहुत अच्छी नात गुआ हो गई हैं। उस्मा भी आई हुई है, तो देखें ज़रा लग रहा है मुझे मेरी बातें कर रही हैं कुछ, ये देखें जी मेरी बातों में लगी हुई हैं। आप देखें, आप ना सुने, माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको मदीने लेकर जाए। मेरी प्यारी खाला स्वीट पाड़ियाँ माशाल्लाह। और
माशाल्लाह, खाला ने बहुत प्यारी नात पढ़ी है, बहुत प्यारी माशाल्लाह। आज मेरी नान कैसर मेरे घर की खुशी में गाना बांधने के लिए लेकर आई हैं। ये गाना बांधेंगी और मेरे हस्बैंड बच्चों के कपड़े लेकर आई हैं, हार फूल लेकर आई हैं और मिठाई की टोकरी लेकर आई है। माशाल्लाह से ये मेरे सब मोहब्बत करने वाले ससुराल वाले और मेरी चाहत करने वाले, और ये अब गाना बांधेगी, रस्म करेगी, फिर मैं नेक दूंगी। और ये जुबियांजुम की नंदे ये भी गाना बांधेंगी इंशाल्लाह, ये भी हमारी खुशियों में शामिल है। आयशा और फायज़ा ये भी आज गाने बांधने के लिए लेकर आई हैं, ज़बरदार बहुत प्यारे। अब ये गाने बांधने लगी हैं और हमारे घर रस्म होने लगी है। जुबियांजुम सोफिया जाबर आज अपने घर में शिफ्ट होने लगी हैं। अब चलें जी स्टार्ट करते हैं, रस्म स्टार्ट करते हैं। मेरी नंद कैसर ने ये रस्म अदा की है, हमारे घर गाना बांधा है, अब हम भी इनको नेक देंगे। फायज़ा बांधी हैं, हाँ जी आ जाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। अजूबिया दे रही हैं अपनी नंदों को सूट। जी हाँ जी, मुबारक हो जी, ये खुशी के साथ नेक दे रही हैं। चल ये सोफिया ने कैसर को पैसे दिए हैं जो उसने कंगना बांधा है। तो माशाल्लाह बहुत बड़े नाज़ख़्वां हमारे भाई हाफिज़ अरशद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनके मुबारक कदम हमारे घर पड़े हैं, इनकी दुआएं होंगी, अभी पाक तिलावत होगी। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे भाई के मुबारक कदम पड़े हैं, और हाँ जी भाई बहुत शुक्रिया, अब तिलावत होगी और माशाल्लाह दुआएं होंगी बहुत ढेर सारी। दुरूद पाक की महफिल में सब शामिल हुए हैं अंजुम भाई, हम सब पढ़ेंगे अभी। तिलावत पाक नईम भाई अपने उस्ताद मोहतरम से मिलते हुए, ये मेरे नईम भाई खाला के बेटे हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़े नातवान। अंजुम भाई रसूल, मेरे भाई सजाद बहुत प्यारे, मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं हम बहनों से। गुड्डो बाजी के हस्बैंड भाई अर्शद, सुबह
सुभान अल्लाह। जुबिया और सोबिया दोनों बहुत खुश हो रही हैं, इतनी प्यारी पुरनूर महफिल। मेरे घर में दुरूद पाक की आवाज़ गूंज रही है, अल्लाह पाक बरकतें दे। सुभान अल्लाह।
सारे मकीनों पर अपनी फजल व करम की बारिश फरमाए और हमारी बहन जो है सोबिया और बहन जो भी अल्लाह पाक इनको हमेशा सरसब्ज रखे और हमारे भाई अंजुम साहब और वकास भाई इनको भी खैर और सलामती अता फरमाए। बड़ी अथक मेहनत और बड़ी जस्तजू बड़ी तकदो के बाद अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई है। अल्लाह की बारगाह से दुआ है अल्लाह ताला सबको ये नेमत नसीब फरमाए। बस हाजरी अभी और फिर इन शाह मुझ पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया। सब पे किया हुआ है बेशक बेशक। बहने तो आराम से पढ़े और भाई मेरे साथ मिल के रहा। नहीं मुझ पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया। मुझ पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया। क्या मुझको सुपुर्द हजरत हसन कर दिया। इतना बड़ा शेर है, इतना बड़ा शेर है। मुझको सुपुर्द हजरत हसन कर दिया। उम्मत के बख्शवाने के अंदर जैसे शख्स को भी सना खान कर दिया। इसलिए मैं पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि बार बार इनकार करते हैं। जब भी हमारे घर में गम आ जाए, हमारे घर में खुशी आ जाए, हमें हुजूर याद आते हैं। इसकी वजह क्या है? ये हमारे खून में हमारे वालदैन से बदी है। और हम क्यों पढ़ते हैं ये बार बार जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है। महबूब सजाने में मजा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है। बज़्मे महबूब सजा आता है। नात सुनने में सुनाने में मजा आता है। नात सुनने में सुनाने में मजा महफिल को महबूब सजाते गए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर गए जो सरवर आलम का मीलाद मनाते गए। बज़्मे महबूब सजाने आगे बढ़िए और कैसा लुत्फ आता है हुजूर का नाम ले लें। तवज्जो कीजिएगा, दो चार अशार बड़े कीमती। बावजू हो के दुरूदों में बहा कर आंसू सुभान अल्लाह
बावजू हो के दुरूदों में बहा कर आंसू, बावजू हो के दुरूदों में बहा कर आंसू, हाल दिल उनको सुनाने में मजा आता है, हाले दिल उनको सुनाने में मजा आता है। सुभान अल्लाह। डरता रहता हूँ तमाशा न बना ले दुनिया, कीमती शेर है, बहुत कीमती शेर, आप तवज्जो दुआ की मिली। हाँ जी, ये आप लोग अता कर रहे हैं हुजूर का लंगर, हमें आप लोग अता कर रहे हैं नाम हुजूर के सत्ते में और हमें दिया जा रहा है, दो आप बांट रहे हैं और हम ले रहे हैं, मगर दोनों का फ़र्क देखिएगा अरशद भाई। लूटने वालों को आया है न आएगा कभी, अच्छा लूटने वालों को आया है न आएगा कभी, जो फकीरों को लुटाने मेरे घर में इतनी प्यारी प्यारी माएँ बहनें सब आई हुई हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी दुआ होने लगी है माशाल्लाह, दुआएं तो बहुत हैं सबकी मेरे पास और जुबिया के पास, दुआएं खैर हो रही है माशाल्लाह, दुआएं तो मेरे और जुबिया के साथ सब बहन भाइयों की है माशाल्लाह, आज खास दुआ हो रही है। हबीब के सदके उसको नूर फरमा, जनाब हाफिज नूर साहब की, उनकी आलिया की, मेराज खालिद साहब की, आफ्ताब भाई की, इस खानदान से जाने वाले तमाम अहबाब की मगफरत व बख्शिश फरमा, मोहतरम जनाब मोहम्मद शरीफ साहब नईम साहब के वालिद जनाब नईमी की मगफरत व बख्शिश फरमा, अंजुम साहब के वालिद मोहतरम की मगफरत व बख्शिश फरमा, या अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत पे करम फरमा, आमीन, सारी बहनों को हमेशा इसी तरह शीर व शकर फरमा, आमीन, खुसूसी निगाह रहमत और शफकत फरमा, आमीन, या अल्लाह इस मकाम को बरकत अता कर दे, आमीन, अपनी रहमत अता कर दे, आमीन, हर किस्म के हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, शर से, आमीन, अपनी निगाह से हुजूर की आल के सदके हुजूर के दुरूद पाक की बरकत से महफूज फरमा, आमीन, हमेशा इनको आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, अमन, अखुवत और भाईचारा, उम्र में, जान में, माल में, औलाद में, इज्जत में, वकार में, शख्सियत, सारी बहनों को अपने खुसूसी इनाम से नवाज दे, सबके घरों को आबाद फरमा, सब अपनी मेहरबानियों की, रहमतों की कामिला हज़र आता फरमा, आमीन, अपने कुंबे की, अपने घर की सही और बेहतरीन या अल्लाह खिदमत की ने तौफीक अता फरमा, आमीन, उम्र दराज फरमा, हमारे पास भाई को उम्र दराज फरमा, आमीन, इनके बच्चों और बच्चियों के नेक नसीब फरमा, आमीन, या अल्लाह इस पूरे कुंबे पर खुसूसी निगाह रहमत फरमा, खुसूसी निगाह शफ़क़त फरमा, जितने भी हजरात इस दुआ में शामिल हैं और आमीन पर
اپنی خصوصی مہربانی فرما، ہمیں ان کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت پاکستان کی خیر، پاکستان کے بسنے والوں کی خیر، عزیزم محمد نعیم شریف ان کی والدہ، ان کے پورے کنبے پر اپنی رحمت فرما، محترم جناب مختار بھائی ان کی پوری فیملی پر اپنی رحمت فرما، کرم نوازیاں فرما، دین و دنیا کی برکتیں عزت رفعت عطا فرما۔ ہمارے محترم شہزاد صاحب سعودی عربیہ سے یا اللہ تشریف لائیں، ان کو بھی برکت عطا فرما۔ ہماری بہن زوبی کو صوبیہ کو مزید برکات عطا فرما، مزید قوت عطا فرما، مزید خیر عطا فرما، ان کی مدد فرما یا اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ۔ اتنے مشکل حالات اور اتنے مشکل دور میں بڑی انتھک محنت کر کے یا اللہ ان بچیوں نے اپنے گھر کو بنانے کی صحیح کی ہے یا اللہ، ان کی کوشش کو کامیاب فرما، ان کے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ کوئی حسد ہے، کوئی بد نگاہی ہے یا اللہ، حضور کی نالین کے صدقے اس کو دور فرما، مہربانی فرما۔ ہمارے بھائی انجم صاحب کو، قاص صاحب کو اسی طرح اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی ارشد صاحب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرما۔ جی جی یا اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ عائشہ اور فائزہ یا اللہ کے نصیب بہتر فرما دے۔ یا اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مہناز ممتاز بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کچھ تجھے تو بتا نہیں سکتے، تو سمیع بصیر ہے، سب جانتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے مہربانی فرما۔ یا اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری بیٹی اینی کو صحت کامل عطا فرما، اس کے گھر کو شاد، ہماری بانجی افرا کو بھی اللہ پاک صحت دے، جو دعائیں افرا کو بھی صحت تندرستی عطا، افرا بھی بیمار ہے، اللہ اسے صحت تندرستی دے۔ سمیع بہن جس بیٹی کی افرا، اس کو صحت عطا فرما، حضور کے لعاب دہن کے صدقے تمام بیمار کو شفا عطا فرما، کرم نوازی کی بارش ہے۔ اے کریم، مانگنا نہیں آتا بھی مانگے عطا فرما۔ اے کریم، تو ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، جو جو بہتر ہے ہماری خالیوں جھولیوں کو معمول فرما، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس خیال کو، اس کیفیت کو ہمارے دل سے نکال دے، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی بارگاہ سے ہمیں خیر عطا فرما۔ میرے جیٹھ بابر بھائی کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی دے۔ جی، ہماری بہن صوبیہ جس بھائی کے لیے کہہ رہی ہیں، انہیں بھی صحت کامل عطا فرما۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں ہیں، مچل رہی ہیں، زبان پر بھی ہیں، دلوں پر بھی ہیں، اور تو سب کو جانتا ہے، سب دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ، میری بہنوں کی خوشیوں کو اور دوبارہ فرما، ان کو اور خوشیاں عطا فرما، اور کرم نوازیاں فرما، ان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ یا اللہ، یہ تقسیم کرنے والی ہے، انہیں اور رزق عطا فرما، اور برکت عطا فرما، اور خوبی عطا فرما، اور خیر عطا فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی رہنمائی فرما، ان کو یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب فرما۔ مکہ المکرمہ ہماری باجی بشرا کو خصوص صحت کاملہ عطا فرما۔ اس پورے قافلہ بھائی اشب بھائی سجاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ارشد صاحب تشریف فرما ہے، سجاد بھائی ہیں، سب کی خیر فرما۔ یا اللہ، بھائی بشرا کو صحت عطا فرما، خصوصی فضل و کرم فرما، اپنی بہنوں کے ساتھ اس ذمہ داری سے، جس وفاداری سے یہ چلتی ہیں، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ بھائی طاہرہ کو صحت کاملہ عطا فرما، انجم صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ، اور ان کی بہنوں کے نصیب اچھے فرما، اپنے گھروں میں سکون چین خوشیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مبارک وسلم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، دیبل قول ایما کنی فاطمہ، گردا وتمرت کنی و قبول منو دست خدا مان یا رسول، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آل محمد۔ لنگر قورمہ ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے، کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا ہے آپ سب کھانا کھائیں گے۔ جب صاحب بھی آئے ہیں، انجم وہ بوتلیں بھی رکھ دیں جی، اوپر رکھوا دیے، بہت شکریہ بھی اندر بھیج دو نا، کھانا اندر سٹارٹ ہو چکا ہے، اور وہ افراتفری کا سما ہے۔ جابر صاحب ذرا آپ دھیان رکھیں، ابھی آپ کو تو نہیں بھوک لگ رہی، میری کیوٹ سی پری وہ ان کے پاس جائیں نا، آپ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہو۔